तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ लकी ठाकुर और आप देख रहे हो लकी ठाकुर ब्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, आज का टॉपिक ये है कि मेरे यूट्यूब वीडियो पर आ गया है कॉपीराइट स्ट्राइक। तो गाइस, आज से 4 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक चार चरण का सॉन्ग मैंने कॉपी कर लिया था, तो उस वजह से उस वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम आ गया है। यार शुरू में तो मैं बहुत घबरा गया था कि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ गया है, मेरा चैनल बंद हो जाएगा, मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने इसके बारे में बहुत रिसर्च की, बहुत सर्च किया, तो गाइस फिर मैंने पता करा कि कॉपीराइट 3 प्रकार के होते हैं। एक कॉपीराइट क्लेम होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक होती है, और कॉपीराइट मोनेटाइजेशन शेयरिंग होती है। तो गाइस मुझे आया है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम में ये होता है कि अगर आप किसी भी वीडियो का फोटो, वीडियो फुटेज या फिर म्यूजिक, ऑडियो, फोटोज या फिर कुछ भी उस अगले बंदे के वीडियो में से निकाल के आप अपनी वीडियो में यूज़ करते हो, तो आपको तीनों प्रकार से कोई भी प्रकार का कॉपीराइट आ सकता है। तो गाइस मुझे आया है कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम में ये होता है कि आपकी वीडियो का जितना भी पैसा अर्न होता है वो सारा पैसा अगले बंदे पास चले जाता है। तो गाइस घबराने की, डरने की बात तो नहीं है, क्योंकि अभी मेरा मोनेटाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरे को इससे कोई फर्क खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इससे ना तो मेरे यूट्यूब चैनल कोई फर्क पड़ता है, तो मेरे कोई पैसे वैसे जा नहीं रहे इसमें, पर फिर भी ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो गाइस आज पहले 6 दिन पहले एक वीडियो देखा था मैंने, हाँ मतलब उस टाइम मैंने एक वीडियो देखा था कि अगर मतलब एक यूट्यूबर ने बताया था कि अगर आप किसी भी वीडियो का, किसी भी म्यूजिक का 30 सेकंड में, 15 से 30 सेकंड का वीडियो यूज करते हो या फिर कॉपी करते हो तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है, अगर उससे ज़्यादा का यूज़ करते हो तो आपको कॉपीराइट आती है। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 1 सेकंड का वीडियो यूज़ करते हो, आधे घंटे का वीडियो यूज़ करते हो, या फिर 4 घंटे का वीडियो यूज़ करते हो, उसमें 1 सेकंड की वीडियो पर भी कॉपीराइट आएगी और 4 घंटे की वीडियो पर भी कॉपीराइट आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ये है कि मेरा उन सभी यूट्यूबर से निवेदन है कि प्लीज़ ऐसे वीडियो मत बनाओ, ऐसे मतलब गलत अफवाह मत यूट्यूब पे मत डालो, यूट्यूब पे गलत गलत चीज़ें मत डालो, इससे हमें भी प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं आपको भी प्रॉब्लम है। अगर मैं चाहता तो उस यूट्यूबर का नाम भी बता सकता था और उस यूट्यूबर के चैनल का नाम भी बता सकता था, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं है उनके उनके नाम बताने से या फिर उनके चैनल के नाम बताने से। बस मेरा मतलब ये है कि प्लीज़ यूट्यूब पर ऐसी गलत अफवाहें मत डालो, झूठी बातें मत डालो, झूठी अफवाहें मत फैलाओ। तो गाइस मैं आपको मेरे उस यूट्यूब का मेरे यूट्यूब चैनल के एक वीडियो पे जिसपे भी कॉपीराइट आई थी, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो गाइस ये रहा को स्क्रीनशॉट, और मैं आपको, अगर आप मेरे किसी फ्रेंड्स को या फिर किसी को भी कॉपीराइट क्लेम आती है, वो कॉपीराइट क्लेम कैसे हटा है आपको वो भी बता देता हूँ मैं। तो चलिए चलते हैं मेरे फोन स्क्रीन पर। तो गाइस आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद आपको यूट्यूब चैनल सर्च करना है। जैसे आप यूट्यूब चैनल सर्च करते हो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, मेरा ऑलरेडी ऑन है। डेस्कटॉप मोड ऑन करने के बाद अपना YouTube स्टूडियो सर्च करना है। आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे आपको वीडियो का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। जैसा कि मेरा वीडियो लिस्ट खुल चुकी है, आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि कॉपीराइट क्लेम लिखा हुआ है, तो आपको फिर उसके बाद सी डिटेल पर क्लिक करना है।
तो गाइस यहाँ पर सामने आपके सामने आ चुका है कि यहाँ टाइम लिखा है कि कितने टाइम के सॉन्ग पर आपको कॉपीराइट आया है। तो गाइस 5 से 10 सेकंड के सॉन्ग के ऊपर मेरा कॉपीराइट आया है। आपको आप यहाँ से यहाँ पर जाके आप यहाँ से म्यूट कर सकते हो या फिर गाना चेंज कर सकते हो या फिर बदल सकते हो। तो गाइस यहाँ पर भी खुल जाता है। तो गाइस यहाँ पर आपकी यूट्यूब म्यूज़िक लाइब्रेरी खुल जाती है। आप यहाँ से कोई से भी गाने सेलेक्ट कर सकते हो, कोई से भी म्यूजिक डाल सकते हो। ये फ्री यूट्यूब कॉपीराइट म्यूज़िक है, यहाँ से आप जो चाहे वो म्यूजिक ले सकते हो, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। तो गाइस मैं यहाँ पर अपना म्यूजिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ थोड़ी स्पीड बढ़ा लेता हूँ क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। तो गाइस फाइनली मैंने अपना म्यूजिक सिलेक्ट कर लिया है और सिलेक्ट करने के बाद एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख रहे हो यहाँ पर सर्चिंग मोड चालू हो गया है, सर्च हो रहा है। तो गाइस मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बोल रहे होंगे कि मैं तो ब्लॉग बनाता हूँ, मेरे तो ब्लॉग का चैनल है, तो मैं ये वीडियो क्यों अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया मैंने। क्या मैं किसी भी यूट्यूबर्स की मेरे किसी भी फ्रेंड्स किसी भी यूट्यूबर्स को अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इससे कैसे बाहर निकल सकते कैसे बाहर निकल सकते हैं। गाइस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ फटाफट जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारे प्यारे से स्वीट से कमेंट कर दीजिए। मुझे आपके गाइस सीरियसली आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ मैं यार, मतलब आपकी कमेंट कर आप कमेंट करते हो तो ऐसा लगता है कि मतलब और एक उत्साह बढ़ता है और मतलब करने की इच्छा बढ़ती है और वीडियोस बनाने की इच्छा रहती है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो फिर मतलब कैसे मनोबल बढ़ेगा। तो फटाफट से जाके कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।